हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप चौहान आपका स्वागत करता हूँ मंत्रायु में। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन की क्लासेस चल रही है, उसमें हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, टाइम एंड वर्क, यानी कि समय और कार्य। आज हमारा बेसिक डिटेल लेंगे कि आखिर में बेसिक क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, उसके बाद हम एडवांस लेवल तक चलेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक हमारा बनता है वो क्या बनता है, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य। जैसा कि आपको नाम ही से पता चल रहा होगा, समय और कार्य, यानी कि एक टाइम होगा और एक काम होगा, यानी कि टाइम पे काम हमें करके देना है। बस यही कॉन्सेप्ट होता है, यही फंडा है पूरे चैप्टर में। सबसे पहले तो देखिए, एक सिंपल सा बेसिक सा आपको ओवरव्यू दूं मैं। तो देखिए, ये कोई बिल्डिंग है हमारी, क्या है ये, कोई एक बिल्डिंग है, ये कोई बिल्डिंग है, कोई तो मालिक होगा इसका। तो आप कहेंगे हाँ, बिल्डिंग का तो कोई मालिक होगा ही होगा, यानी ओनर होगा, यानी इस बिल्डिंग को हमें बनाना है, इस बिल्डिंग को हमको बनाना है, बिल्डिंग को बनाना है, तो मालिक किसी ना किसी को तो पकड़ेगा, किसी ना किसी वर्क को पकड़ेगा करवाने के लिए, वर्कर को, यानी वर्कर को पकड़ेगा काम करवाने के लिए। इतना तो आपको बेसिक समझ आ रहा है, यानी ये बिल्डिंग बनानी है तो इसके लिए कोई ना कोई मजदूर को हमें पकड़ना ही पड़ेगा। अब सब मजदूर की अलग अलग इफिशियंसी होती है, क्षमता होती है काम करने की, ये तो आपको मालूम है, आपकी भी कुछ अलग होगी, हमारी भी कुछ अलग होगी। यानी कि हम जो काम करेंगे, ऐसा नहीं कि हम घर बनवाने जा रहे हैं, नहीं, कोई भी एनीथिंग, कोई भी काम करेंगे तो कुछ तो इफिशंसी होगी, कुछ तो पावर होगा, कुछ तो हमारी क्षमता होगी कि हाँ, इतनी क्षमता है मेरे में, ये काम मैं कर लूंगा, इतनी देर में कर लूंगा, है कि नहीं। ये चीज है ना, वही चीज होती है क्षमता। सबसे मेन पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको कि क्षमता आपको पता होना चाहिए कि आखिर में इफिशियंसी क्या होती है। अब मैं ये कहूं कि कोई एक मालिक है, कोई एक ये मालिक है, ये इसका घर बनवाना है, यहां पे दो मजदूर आए, यहां पे दो मजदूर आए, मजदूर ए और मजदूर बी। पहले इस ओनर ने, इस मालिक ने ए से कहा कि भैया ये बिल्डिंग बनानी है, ये बिल्डिंग बनानी है, तो आप कितने दिन में बना लोगे। तो ये बंदा कह रहा है कि इस बिल्डिंग को बनाने मुझे 30 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 30 दिन लगेंगे, समझिएगा बात को। फिर मालिक ने सोचा कि टाइम मुझे कम चाहिए, फिर बी को पकड़ा, ये कह रहा है कि मैं इस बिल्डिंग को 20 दिन में बना के दे दूंगा। मालिक सेटिस्फाइड नहीं हुआ, उसको संतुष्टि नहीं मिली, वो ये कह रहा है कि बिल्डिंग मुझको जल्दी बनानी है, इसके पास ये दो मजदूर है, ए और बी। तो इसने एक बात सोचा कि क्यों ना इन दोनों को साथ में लगा दिया जाए, इन दोनों को साथ में लगा दिया जाए तो काम जल्दी होगा, ऑफिशियली बात है, काम जल्दी तो होना है, लेकिन कितने दिन में होना है ये मैटर करता है। ये तो आप भी बता दिए कि काम जल्दी होगा, भाई हम भी काम करेंगे, आप भी काम करेंगे, तो काम तो ऑफिशियल बात है कि जल्दी होना ही होना है, बर्डन कम पड़ेगा, काम जल्दी होगा, बट कितने दिन में होगा ये चीज हमें क्लियर नहीं मालूम है, और यही क्वेश्चन में हमें निकालना है। बस यही फंडा होता है टाइम एंड वर्क का, क्लियर। यानी कि ये दोनों कितने दिन में ये घर बना देंगे, बस इसी बात पे पूरा कॉन्सेप्ट चलेगा, और यही कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा, क्लियर। चलिए, यहां तक यदि आपको समझ आ गया होगा तो अब आप क्वेश्चन आराम से कर लोगे। कैसे करोगे अब देखिएगा। अब देखिए, क्वेश्चन का लैंग्वेज मैं बता रहा हूं आपको कि ये चीज आपने माइंड में रख ली तो टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। क्या चीज, ध्यान दीजिएगा, ये ए कोई है, कोई ए है, मैं प्रैक्टिकल में बता रहा हूं आपको, जो प्राकृतिक में आप काम कर रहे हो उसके बारे में बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। ये बी है, क्या है, बी है, ए और बी, ये दो बंदे हैं, कौन है, ए और बी है।
मैं कहूं कि एक बिल्डिंग बनानी थी, ये 10 दिन में काम कर लेगा, यानी ये जो बिल्डिंग है वो 10 दिन में बना देगा। ये जो बंदा है इस बिल्डिंग को 5 दिन में बना देगा, समझिएगा बात को, क्या है 5 दिन में बना देगा। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, अभी तक कोई डाउट नहीं है ना। यानी ये बंदा कह रहा है, ये व्यक्ति कह रहा है कि मैं इस बिल्डिंग को 10 दिन में बना के दे दूंगा। बी वाला जो कह रहा है वो कह रहा है कि तुम 10 दिन में क्या बनाओगे, मैं तो 5 दिन में बना के दे दूंगा इसको। यानी ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, बट मालिक कह रहा भैया ऐसा है मुझे और जल्दी काम चाहिए, तो इन दोनों को काम करवाना है जल्दी, यानी इन दोनों को प्लस करके करना है। अब आप बताइए क्या ये 10 दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है, दोनों मिला के क्या 15 दिन है, सॉरी ये 10 दिन में कर रहा है, 5 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिला के क्या 15 दिन में काम समाप्त करेंगे? नहीं करेंगे ना, जल्दी होगा। तो कभी भी एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले अब एक बात हमें प्रैक्टिकल में बताइएगा, मैं हूं वो 10 दिन में काम समाप्त कर दूंगा, आप हैं तो आप 5 दिन में काम समाप्त कर दोगे ना। यानी आपकी इफिशियंसी क्या है, ज्यादा है काम करने की, मेरी इफिशियंसी कम है काम करने की, है कि नहीं? लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, क्या यदि मैं कहूं कि आप 5 दिन में वो बिल्डिंग बना दोगे तो 1 दिन में आप कितना काम करोगे? तो कुछ तो काम किया होगा, मान ली 5 दिन में बिल्डिंग बना रहे हो तो 1 दिन में कुछ तो काम किया होगा ना, किया ना, किया कि नहीं किया। मान लीजिए ये 10 माले की बिल्डिंग है, ये 10 माले की बिल्डिंग है, तो आप 1 दिन में कितना माला बना रहे होंगे? 2 माला बना रहे होंगे, तभी तो जाके 5 दिन में कवर कर लोगे 10 माला, कर लोगे ना, कर लोगे। मेरी इफिशियंसी है 10 दिन बनाने की, तो मैं 1 दिन में कितना माला बनाऊंगा? 1 माला बनाऊंगा ना, यानी 1 पोर्शन बनाऊंगा, 1 फ्लोर तक बनाऊंगा ना, और आप 2 फ्लोर बना लोगे। बस यहां से आपने पॉइंट पकड़ लिया तो क्लियर कर लोगे, क्या 1 दिन में आप 2 काम कर रहे हो तो 1 दिन में मैं 1 काम कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 1 दिन में आप 2 काम कर रहे हो, 1 दिन में मैं 1 काम कर रहा हूं, तो दोनों मिलकर कितने काम कर लेंगे हम लोग? 3 काम करेंगे कि नहीं? 3 काम, 3 काम कर लेंगे। बस वही आंसर करना होता है, इतना सा कॉन्सेप्ट होता है, इतना आप समझ गए तो समझ ले कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। यानी माइंड में बैठा लीजिएगा कितने दिन में काम कर रहा है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा 1 दिन में वो कितना काम कर रहा है, आप 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं, उसके बाद ही कोई प्रोसेस बनता है। क्लियर? बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले हमें काम निकालना होता है कि टोटल काम हो कितना रहा है, और 1 दिन में आपने कितना काम किया, मैंने 1 दिन में कितना काम किया। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे, अकेला काम कर रहा है या 2 मिलकर काम कर रहे हैं या 4 मिलकर काम कर रहे हैं, तब कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। क्लियर? बस यहां पे था कॉन्सेप्ट, बस इतना सा था। अब आप क्वेश्चन आराम से कर लोगे, देखिएगा एक क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। कैसे क्लियर होगा देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में और बी अकेला 30 दिन में कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, ए कोई होगा बंदा, मजदूर है, वो 20 दिन में उस बिल्डिंग को बनाता है, यानी कोई कार्य होगा वो 20 दिन में कर लेता है, और वही कार्य बी उसको 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये कॉन्सेप्ट कहता है। देखिए पहला नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, बस समझिएगा ध्यान को, ए कोई है वो कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में समाप्त कर रहा है, बी जो है यही काम को वो 30 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले तो मुझे काम के बारे में नॉलेज लेनी पड़ेगी भाई, हमें यही नहीं मालूम है काम है कौन सा, कितना काम है यही नहीं मालूम है, तो हम कैसे काम को निकालेंगे 1 दिन का? नहीं निकाल पाएंगे ना, नहीं निकाल पाएंगे। तो टोटल काम निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 20 और 30 का एलसीएम। तो एलसीएम लेना तो सबको आता है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ये इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। कितना हो जाएगा, 60। टोटल हमारा जो काम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो आप तुरंत कहेंगे सर जी 60 आ जाएगा। यानी टोटल जो काम ये दोनों मिलकर कर रहे हैं वो 60 काम कर रहे हैं। अभी समझिएगा, इस 60 काम को ए 20 दिन में समाप्त करेगा और इसी 60 काम को ए 30 दिन में समाप्त करेगा। फिर समझिएगा,
पहले हमें टोटल काम निकालना पड़ेगा, टोटल काम निकालना, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 60 आ जाएगा। 60 जब आ जाएगा तो ये जो 60 काम है ए अकेला 20 दिन में करेगा और यही 60 काम को ए अकेला 30 दिन में करेगा। तो मैं कहूं कि एक दिन वो कितना काम कर लेगा, तो आप तुरंत कहेंगे सर जी इसमें कोई बात ही नहीं है, 60 टोटल काम है और वो 20 दिन में कर रहा है ये काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा बता दो जल्दी से, 3 काम करेगा। एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा, यानी एक दिन में कितना काम कर रहा है वो, 3 काम कर रहा है। ऐसे ही बी की बारी आई, वो 60 काम को 30 दिन में समाप्त कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो आप तुरंत कहेंगे 2 काम कर रहा है। मैंने कहा बात तो सही है आपकी, ये 2 काम कर रहा है, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट नहीं है ना, बस खेल खत्म। जब एक दिन का मुझे काम पता चल गया कि एक दिन में ये 3 काम कर रहा और बी अकेला एक दिन में 2 काम कर रहा, दोनों मिला के एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, तो 5 काम कर रहे हैं, यानी कि एक दिन में दोनों कितना काम कर रहे हैं, दोनों 5 काम कर रहे हैं, कर रहे हैं ना। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं डाउट है ना, एक दिन में क्लियर। मैं कहूं कि टोटल हमारा 60 काम था, एक दिन में वो 5 काम कर रहे हैं, यानी 2 दिन में 10 काम करेंगे, 3 दिन में 15 काम करेंगे, ऐसे करते करते 60 दिन में कितना काम करेंगे, तो आप तुरंत कह देंगे 60 दिन में कितना काम करेंगे, कितने दिन में करेंगे 60 काम बताइए, 60 ये टोटल काम है वो कितने दिन में करेंगे, तो आप तुरंत कह देंगे 12 दिन में करेंगे। देख के आप समझ सकते हो, एक दिन में 5 काम किया, दूसरे दिन 10 काम किया, तीसरे दिन 15 काम किया, ऐसे करते करते 60 काम को कितने दिन में करेंगे, तो एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, टोटल 60 काम है, यानी 12 दिन में वो काम समाप्त कर देंगे, और यही इसका आंसर हो जाए। क्लियर, फिर समझे बात को, ए कोई था वो 20 दिन में काम कर रहा था, बी कोई था वो 30 दिन में काम कर रहा था, टोटल हमारा 60 काम निकल आया, यानी एक दिन में वो 3 काम कर रहा है, तो बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, दोनों मिलाकर 5 काम कर रहे हैं एक दिन में, टोटल हमारा 60 काम था, एक दिन में वो 5 काम कर रहा है, यानी दूसरे दिन वो 10 काम कर लेगा, तीसरे दिन वो 15 काम कर लेंगे, चौथे दिन वो 20 काम कर लेंगे, ऐसे करते करते 60 काम कितने दिन में करेंगे, तो 12 दिन में समाप्त कर लेंगे। क्लियर, चले आगे, चलिए बस ये समझ आ गया आपको, तो क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा क्वेश्चन, ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में और बी अकेला 24 दिन में कर सकता है, तो वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सेम वैसे ही है। सेकंड नंबर क्या कह रहा है, ए किसी काम को 12 दिन में, 12 है ना, हाँ 12 और 24 है, 12 दिन में कर रहे हैं और बी उसी काम को 24 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिला के ये काम कितना हो गया, दोनों मिला के वो टोटल काम कितना कर रहे होंगे, तो कितना काम कर रहे हैं जल्दी बता दीजिए, 24 काम, एलसीएम ले लिया 24 काम हो गया। अब हमें ये पता चल गया कि 24 काम है हमारे पास, जिसमें कि 24 काम वो 12 दिन में ए समाप्त करेगा और यही 24 काम बी कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 24 दिन में, तो एक दिन का काम कितना आएगा, तो आप तुरंत कह देंगे ये 2 काम कर रहा होगा, तो ये काम कर रहा होगा, कैसे देखिए, टोटल हमारे 24 काम है, ए की बात करें तो 12 का दिन में कर रहा है, 24 काम 12 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। ऐसे ही बी की बारी आई, 24 काम टोटल है और 24 दिन में करेगा, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक काम करेगा, करेगा ना, बस खेल खत्म, चले आगे, चले तो दोनों मिला के ये कितने काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं, टोटल हमारा 24 काम है, एक दिन में 3 काम कर रहा है, ऐसे करते करते 24 काम कितने दिन में समाप्त कर देगा, तो आप तुरंत कह देंगे कितना दिन हो जाएगा, 8 3 24, यानी कि 8 दिन में समाप्त कर देगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, आज बड़े क्वेश्चन नहीं लेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे लेके चलेंगे। चलिए थर्ड नंबर, थर्ड नंबर क्या कह रहा है, एबीसी किसी कार्य को 20 दिन 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि वे तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में समाप्त कर देंगे। सेम वही क्वेश्चन है, बस 3 का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तीसरा नंबर क्या कह रहा है, ए बी सी, ए 20 दिन
बी 12 दिन और सी 15 दिन में समाप्त कर रहे हैं। तो टोटल काम निकाल ले पहले, तो टोटल काम कितना आ जाएगा, एलसीएम ले ले तो कितना गया, 60 आ गया ना, ये 3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 12 × 5 = 60, ये 5 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा ना। अब वो ये कह रहा है कि यदि वो तीनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर लेंगे, तो आप तुरंत कह देंगे 3 + 5 + 4 ये तो होगा, यानी कितना हो जाएगा 5 × 9 = 12 12 आ गया, यानी एक दिन का ये काम है, कितना दिन का, एक दिन का काम कितना है 12, एक दिन का काम कितना है 12 काम कर रहे हैं, यानी कि टोटल हमारा 60 काम है, एक दिन में 12 काम करेंगे तो ऐसे करते 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 कितने दिन में समाप्त कर देंगे 5 दिन में, यानी 5 दिन में ये समाप्त कर देंगे और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे चले चले आगे चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर भी ऐसे कुछ क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अलग है। ए बी सी किसी कार्य को अलग अलग 10 दिन, 20 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हुए उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। चौथा नंबर क्या कह रहा है, ए बी सी, ए जो है वो 10 दिन में, बी जो है वो 20 दिन में और सी जो है वो 60 दिन में करेंगे। एलसीएम ले लें तो आप कहेंगे हाँ, यानी टोटल हमारा काम कितना है 60 है, 60 काम को 10 दिन में करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा 6 काम करेगा, ये कितना काम करेगा, तो आप तुरंत कहेंगे कितना करेगा जल्दी बताइए 3 काम करेगा, और ये कितना काम करेगा 1 काम करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आप तुरंत कह देंगे 6 + 3 + 1 यही तो होगा भाई, यही तो होगा कि कुछ और होगा, यही होगा ना, यही होगा, तो 6 × 3 = 9 = 10 यानी 10 काम करेंगे एक दिन में, यानी एक दिन में 1 डे में 10 काम होगा, 10 वर्क होगा। क्लियर, टोटल हमारा 60 काम है, वो 10 के हिसाब से करेगा, 0 से 0 कैंसिल, यानी 6 डे में ये काम समाप्त कर देगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, देख लीजिए भाई, ये 6 काम कर रहा है, ये 3 काम करेगा एक दिन में और ये 1 काम करेगा, टोटल 10 काम हो रहा है, टोटल हमारा 60 काम था। क्लियर, यानी कि 6 दिन में समाप्त कर देंगे। चले आगे, चलिए पांचवा नंबर देखते हैं। पांचवा नंबर थोड़ा सा डिफरेंट है, समझिएगा बात को। यदि ए अकेला किसी काम को 40 दिन में कर सकता है तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर पाएगा यदि वो दोनों मिलकर 8 दिन में काम कर लेते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन, देखिएगा पांचवा नंबर क्या कह रहा है, ए अकेला 40 दिन में करता है, ए अकेला कितने दिन में कर रहा है 40 दिन में, ए प्लस बी मिलके यानी दोनों मिलके इसी काम को कितने दिन में कर लेते हैं 8 दिन में, कितने दिन में कर लेते हैं 8 दिन में, एलसीएम ले ले तो आप तुरंत कहेंगे हाँ ले लीजिए 40, यानी ये एक काम करेगा एक दिन में और ये कितना काम करेगा 8 × 5 = 40, 5 काम करेंगे। अब हमें एक बात बता दीजिए, ए तो एक दिन में एक काम कर ले रहा है और ये दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं एक दिन में, यानी कि ये जो है यदि इसमें हटा दिया जाए तो बी तो काम कर रहा होगा, यानी एक दिन में ए एक काम कर रहा है तो बचा हुआ काम कितना करेगा, टोटल दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं तो बचा हुआ काम कौन कर रहा होगा, बी तो कर रहा होगा, यानी कितना कर रहा होगा काम 4 काम कर रहा होगा, यानी कितना कर रहा है 4 काम, ये तो कर रहा है वही मायने से तो करेंगे, यानी बी जो है कितना काम कर रहा है 4 काम कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप कहेंगे हाँ, टोटल काम 40 है, 4 के रफ्तार से करेगा तो कितना आ जाएगा, एक दिन में वो 4 काम किया तो कितना आ जाएगा 10, यानी 10 दिन में काम समाप्त कर देगा। फिर समझे बात को,
ए अकेला एक ही काम कर रहा है ना, ये दोनों मिलकर पांच काम कर रहे हैं, तो ए अकेला एक काम कर रहा है तो ए हटा दिया जाएगा, तो बच्चा बी, बी कितना काम कर रहा होगा, चार काम कर रहा होगा, तभी तो दोनों मिला के पांच काम कर रहे हैं, यानी कितना हो जाएगा, दस आ जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। चले आगे, चलिए सिक्स नंबर देखते हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़े नहीं है क्वेश्चन, इसमें देखिएगा। ए बी सी किसी कार्य को अलग अलग 10, 20 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, एक साथ मिलते हुए काम करें तो वो कितने दिन में, सॉरी ये तो चौथे क्वेश्चन है, छठा नंबर है। देखिए ए किसी काम घर को 45 दिन में पेंट कर सकते हैं और बी उसी को 15 दिन में कर सकता है, सी के साथ मिलकर काम करे तो केवल 5 दिन में कर सकते हैं, तो अकेला सी इस काम को कितने दिन में करेगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए छठा नंबर क्या कह रहा है कि ए अकेला किसी घर को 45 दिन में पेंट करता है, ए अकेला किसी घर को 45 दिन में पेंट करता है, बी अकेला उसी कार्य को 15 दिन में करता है, बी अकेला इसी कार्य को 15 दिन में करता है, और सी अकेला इस कार्य और सी के साथ मिलकर केवल 5 दिन में करते हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 5 दिन में समाप्त कर देते हैं। बस यही कॉन्सेप्ट है, बस यही कॉन्सेप्ट है और कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है। क्या कह रहा वो कि ए अकेला 45 दिन में करेगा, बी अकेला 15 दिन में करेगा और सी की सहायता से मिलकर ये बी दोनों मिला के 5 दिन में करेंगे। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट नहीं है ना, कोई डाउट नहीं। इनका एलसीएम ले लीजिए तो मेरे हिसाब से 19 एलसीएम आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आप कहेंगे हाँ। ये दो बार जाएगा और ये कितनी बार जाएगा, 6 बार ये तो जाएगा, और ये कितनी बार जाएगा आपका, तो ये आपका जाएगा 5 × 5 और कितना बच गया, 5 × 4 8 × 5 = 40 8 = 18 बार ये तो जाएगा भाई। 90 का डिवाइड आप करके देख लो तो कितनी बार जाएगा, 5 × 5 बचा 4 8 × 5 = 40 क्लियर, यानी 18 बार जाएगा। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। अब एक बात बताओ मैं प्यारी सी कि ए बी सी 18 काम कर रहे हैं, बी हमारा 6 काम कर रहा है, ए हमारा 2 काम कर रहा है, ये तो कर रहा है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी दोनों ये कितना काम हो गया, 2 और प्लस 6 यानी कितना हो जाएगा, 8 काम, ये तो हो जाएगा, और हम ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना काम कर रहा है, 18 काम कर रहा है, ये तो कर रहा है, तो सी हमारा कितना काम करेगा, तो 18 - 8 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 10, यही तो हो जाएगा, यानी सी हमारा 10 अकेले काम कर रहा है, यही कर रहा है ना, 10 कर रहा है, टोटल हमारा 90 काम है, एक दिन में वो 10 काम कर रहा है, इसके रफ्तार से करेगा सी तो 9 दिन में समाप्त कर देगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा सी, क्लियर, यानी सी हमारा 9 दिन में काम समाप्त कर देगा। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट नहीं, चले आ गए। चलिए सातवां नंबर क्या कह रहा है, एक साथ पी और क्यू किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, अकेला पी उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है, अकेले क्यू उस कार्य के 2/2 भाग को कितने दिन में पूरा कर सकता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा सातवां नंबर क्या कह रहा है, पी प्लस क्यू किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है, और पी अकेला उस काम को 18 दिन में करता है, कितना आ जाएगा 36 एलसीएम, यानी टोटल काम हमारा कितना आ जाएगा 36, ये 3 आ जाएगा काम और ये 2 काम हो जाएगा, पी 2 काम कर रहा है और पी प्लस क्यू मिलकर 3 काम कर रहे हैं, तो क्यू कितना काम कर रहा होगा, तो आप तुरंत कह देंगे एक काम कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें 2 काम तो अपना क्या कर रहा है, पी कर रहा है ना,
कर रहा है, यानी टोटल हमारा 36 काम है कि वो है ही है, वो एक की रफ्तार से करेगा है, एक दिन में एक काम किया से करते करते 36 काम कितने करेगा, 36 डे में करेगा। यहां तक क्लियर है कि नहीं? क्या ये इसका आंसर है? नहीं। वो क्या कह रहा है, 2/3 भाग, यानी टोटल हमारा 36 दिन है, इसमें का 2/3 भाग हम निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24, यानी कि क्यू जो है वो 2/3 भाग कितने दिन में करेगा, तो आप तुरंत कह देंगे 24 दिन में करेगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी 24 दिन में वो क्या करेगा, समाप्त करेगा। यहां तक समझ आया? यहां तक यदि आपको समझ आ गया होगा तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो थोड़ा सा टफ लेवल लेके चलेंगे, उसमें हम चलेंगे अलग क्वेश्चन लेके। तो दोस्तों आज क्लास आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा हमारे वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू।